मैं उसकी बेहिसी पर मुश्तिल हूँ। मेरे लहजे में सच का बागपन है, मेरे लहजे में सच का बागपन है, मैं हिंदुस्तान की जिंदा नस्ल हूँ। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, मेरे लहजे में सख्तपन है, मेरे लबों पर सोशल मीडिया के गिले हैं, मेरे दिलो जहन में सोशल मीडिया द्वारा भड़काई गई वो चिंगारी है जिसने भारत की एकता अखंडता व संप्रभुता का तार तार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो प्राचीन समय का खंजर याद है जब हमारे देश के युवा तपस्वियों की तपस्या भंग की थी रंभा, मेनका और उर्वशी ने। वर्तमान समय में मेरे देश के युवा तपस्वियों की तपस्या भंग कर रहा है ये सोशल मीडिया। अध्यक्ष महोदय, आज इस देश के युवाओं के मन मस्तिष्क के मंदिर में आपको कहीं ना कहीं 21 इंच का कलर टीवी नजर आ जाएगा, केबल कनेक्शन नजर आ जाएगी, जियो सिम नजर आ जाएगी, 3G 4G डाटा नजर आ जाएगी, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जैसे अकाउंट नजर आ जाएंगे, इंटरनेट की सुविधा नजर आ जाएगी और कंप्यूटर के ख्याल नजर आएंगे। इसी कंप्यूटर के ख्याल व इंटरनेट की सुविधा के माध्यम से युवाओं के अंदर कामुकता की चिट्ठी, भावुकता के भाव नजर आ जाएंगे। तो अध्यक्ष महोदय, ऐसे वातावरण, ऐसे फिजाओं में क्या किसी युवा का जीवन किसी तपस्वी से कम है? ऐसे माध्यम, ऐसे संसाधन क्या युवाओं पर कैसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर सदन दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर सोशल मीडिया युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही होती तो इस देश का युवा सबरी से प्रेरणा पाकर चला था, सन्नी लियोनी तक नहीं पहुंच रहा होता। देश में हिंदू मुस्लिम युवा आपस में धर्म के नाम पर लड़ते हुए नजर नहीं आते, युवाओं में पागल पर नजर नहीं आता, कश्मीर जलता, बेंगलोर भभकता व हिंदुस्तान धड़कता हुआ तड़पता हुआ नजर नहीं आता। और चूरू में पिछले 6 दिनों से इंटरनेट सेवा बाधक नहीं होती, रावण पैदा नहीं होते और कौरवों द्वारा द्रौपदियों का चीरहरण ऑनलाइन नहीं होता। जी हां मान्यवर, यह सच है। कूट कर्माक सात ने कहा था कि सोशल मीडिया महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करती है, फिर क्यों किसी की बहन बेटियां सोशल मीडिया पर सुरक्षित नहीं है? जी हां अध्यक्ष महोदय, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत वर्ष 2017-18 में 300 से अधिक दुष्कर्म केस दर्ज हुए जिसका माध्यम सोशल मीडिया बनाए। मेरे प्रतिपक्षी वक्ता आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं आपको आंकड़ों की ओर लेकर चलता हूं। वर्ल्ड डिस्पेंसरी रिपोर्ट व अमेरिका की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी वारतों को अंजाम देने में 47% योगदान सोशल मीडिया का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत पिछले वर्ष 5213 मामले दर्ज हुए जिसमें से 1203 मामले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर डालने से संबंधित थे। एक सर्वे से सामने आया कि युवाओं में शारीरिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए 39% योगदान सोशल मीडिया का है। यदि पोर्नोग्राफी साइटों की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 110 मिलियन से ज्यादा पोर्नोग्राफी वेबसाइट हैं। प्रत्येक घंटे में एक वेबसाइट डेवलप हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कूट कर्माक 5 ने सोशल मीडिया को द्रोणाचार्य बताया व कूट कर्माक 8 ने सोशल मीडिया को पाठशाला बताया, तो मुझे तो नजर नहीं आता कि इसमें शिक्षक कौन है, पढ़ा कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है, छात्र कौन है, एडमिशन किसका है और सिलेबस क्या है। अध्यक्ष महोदय, सिलेबस ये है कि ये मां शेरवाली की फोटो है, लाइक करें आपको अच्छी खबर मिलेगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान में बड़ा कौन है कमेंट करके बताइए, ये एक मैजिक मैसेज है, 10 ग्रुप में भेजिए, शाम तक को अच्छी खबर मिलेगी। ये मैसेज शिरडी साई बाबा से आया है, अगर किसी ने आगे शेयर नहीं किया तो आपको साई बाबा की कसम है आपके साथ बुरा होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्ष वक्ता डिसाइड कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिसाइड कर रही है कि किसी के साथ अच्छा होगा या बुरा। आज से 70 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन वर्तमान समय में इस 30 सालों से इस देश का युवा इस सोशल मीडिया का गुलाम बनता जा रहा है। इस देश में सोशल युवा पैदा नहीं हो रहे, युवा एफबी पर एंजल मोनालिसा नाम बन के पैदा हो रहे हैं। असल में हम जिस युवा से बात करते हैं वो मांगिया लुहार है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता ने बताया कि वाह के स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का देता है सोशल मीडिया।
तो क्यों अध्यक्ष महोदय, जेएनयू का कन्हैया कुमार जैसे लोग सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अंत में मैं समय को ध्यान में रखते हुए कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। नेहरू जैसी इज्जत, सुभाष जैसी हिम्मत, पटेल के इरादे, शास्त्री सीधे साधे, पन्ना अध्याय का त्याग, राणा प्रताप की आग, अशोक का वैराग, तानसेन की राग, स्वामी विवेकानंद का स्वाभिमान, इंदिरा जैसी बोल्ड, महात्मा गांधी जैसा गोल्ड, सोशल मीडिया के कारण ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते रहोगे। जय हिंद, जय वंदे मातरम।